हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि वेटनरी करने के बाद आप अपना अच्छा फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जान लो कि जो वेटनरी में पोस्टें होती हैं वहां पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती हैं, यानी कि आपको जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उसमें कितनी सैलरी मिलती है, ये सभी देख लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई वेटनरी से जुड़ी हुई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। तो मध्य प्रदेश में वेटनरी के दो कोर्स होते हैं गाइस। यदि आप 12th के बाद सोच रहे हो कि हमें वेटनरी करना है तो ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश में दो कोर्स होते हैं वेटनरी से जुड़े हुए। पहला होता है डिप्लोमा जो 2 साल का होता है, और दूसरा होता है डिग्री जिसे BBSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये आपकी होती है 5.5 साल की, और दोनों ही पोस्ट में अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। तो देखेंगे हम आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी किस में कितनी रहती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा। तो डिप्लोमा 2 साल का होता है जिसे करने के बाद पहला तो है आप किसी भी अपने क्षेत्र में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेकंड जो है आप AVFO जो गवर्नमेंट जॉब होती है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यानी असिस्टेंट ऑफ वेटनरी फील्ड ऑफिसर, उसकी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको डिप्लोमा करने के लिए दहेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वह क्वालिफाई करना होगा जब आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। AVFO एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें तो AVFO एग्ज़ाम जो MPPB द्वारा आयोजित किए जाती हैं, और ये मध्य प्रदेश में हर 2 साल में निकलती हैं। इसमें जो सैलरी जो होती है 25,300 से 80,500 के बीच, जिसमें 7वां वेतनमान भी ऐड होता है, और ये आपकी स्टार्टिंग इसमें से सैलरी रहती हैं। ये आपके पास दो ही जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं जब आप डिप्लोमा करते हैं। पहला कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेकंड आप AVFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं BBSC एंड AH में आपकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं। तो इसमें आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं उनको हम देखते हैं कि जो BBSC रहती हैं उसमें पहला तो है आप प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं अपना, सेकंड जो है आप AVFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी AVFO के लिए एलिजिबल रहते हैं, और डिग्री वाले स्टूडेंट भी AVFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। और सेकंड जो है कि VAS जो असिस्टेंट ऑफ वेटनरी सर्जन, जो एक शल्य चिकित्सक भी आप बन सकते हैं जो BBSC करने के बाद। और चौथा है कि आप जो मध्य प्रदेश के वेटनरी के डिप्लोमा कॉलेज हैं उनमें आप TA यानी टीचिंग स्टाफ के रूप में आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं हम आपको सैलरी कितनी मिलती है। पहले हम देख लेते हैं कि आप जो डिप्लोमा कॉलेज होते हैं वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज मध्य प्रदेश के, तो उनमें आप अगर TA के रूप में रहते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। जब आप BBSC एंड AH क्वालिफाई हो तो आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है 25,000। इसके बाद गाइस जो BBSC कोर्स है ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट और PhD भी कर सकते हैं। यदि आप MBSC एंड AH कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी रहती है इसमें 30,000। ये हुआ आपके टीचिंग स्टाफ। और इसके बाद VAS की बात करते हैं, असिस्टेंट ऑफ वेटनरी सर्जन, तो इसमें आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी रहती है ये आयोजित करा जाती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा ये एग्ज़ाम आयोजित किए जाती हैं, और इसकी जो सैलरी होती है वह होती है 56,100 से यहाँ पर एग्ज़ाम आपकी सैलरी स्टार्ट होती हैं। तो ये था आज की वीडियो में आपकी सैलरी आपको कितनी मिलती है सभी प्रकार के वेटनरी में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर BBSC कोर्स के लिए मध्य प्रदेश में एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसे कहते हैं PVN
PVNFT प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आपको BVSC कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा और BVSC दोनों के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो डिप्लोमा कोर्स होता है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए आपको द हेड की एग्ज़ाम देना होता है। ये दोनों PVNFT और द हेड दोनों एग्ज़ाम जो आयोजित की जाती हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं। और जो जॉब भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं तो AVFO की एग्ज़ाम भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं और इसकी सैलरी भी हमने देखी। और जो VAS होती है इसकी जो एग्ज़ाम आयोजित की जाती है MPPSC द्वारा इसकी एग्ज़ाम आयोजित की जाती हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट, कि आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।